एवरी एवरीवन स्वागत है आपका अपने ही ही चैनल टैंकर में, आज जो मैं स्टोरी हूं, बहुत ही अच्छी है, स्ट्रगल ऑफ अ फिशरमैन एक मछुआरे का संघर्ष बहुत ही अच्छी स्टोरी है स्मॉल है इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊंगी जो कि बिगनर्स को के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी के साथ वो अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या सेंस बैठेगा और क्या वर्ड का मीनिंग है ठीक है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे चलिए स्टार्ट करते हैं देयर वॉज एन ओल्ड फिशरमैन इन विलेज हुज नेम वॉज मोहन देयर क्या है इंट्रोडक्टरी देयर है ठीक है मीन्स एक क्या था बूढ़ा मछुआना था ए वॉज मीन्स था ठीक है एक बूढ़ा मछुआरा था इन मीन्स में कहाँ पर गांव में whose, जिसका नाम था मोहन अब ये क्या काम कर रहा है कंजंक्शन का ठीक है ना दो लाइनों को आपस में जोड़ रहा है कि मीन्स जिसका नाम था मोहन एक मछुआरा था वॉज लगा है पास्ट का टेंस है ठीक है पास्ट की बात हो रही है तो ये सिंपल सेंटेंस है इसमें कोई भी एक्शन नहीं है <coughs> मोहन वॉज नोन फॉर हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन मोहन अब यहां पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दिया गया है तो ये सिंपल पास्ट का पैसिव है ठीक है नोन मीन्स होता है जानना जाना जाता था पैसिव है जाना जाता था का सेंस आएगा ठीक है किसके लिए अपने कड़ी मेहनत हार्डवर्क और समर्पण ठीक है डेडिकेशन मीन्स कोई भी काम करना बहुत अच्छे से करना मन लगाकर पूरी डेडिकेशन से निष्ठा से समर्पण से तो वो इसलिए जाना जाता था एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह हर मॉर्निंग ही वुड वह अब वुड लगा है प्रत्येक एवरी मॉर्निंग जैसे यूस टू की जगह यूज टू हम यूज करते हैं कि कोई आदत वो रूटीन को फॉलो करता था तो ही वुड वेकअप वो जागा करता था उठा करता था बिफोर पहले किससे पहले सूर्य उदय सूर्य उदय से पहले, सूरे उदे, सूरे उदे से पहले जाग जाता था ये उसकी आदत थी एवरी मॉर्निंग ठीक है ये पास्ट की आदत के लिए वुड लगाया गया और गो आउट इन टू द ओशन ठीक है बाहर जाता था किस में समुद्र में ऑन हेज किस पर अपनी ओल्ड बोट पुरानी नाव में ठीक है ना वो प्रत्येक सुबह जल्दी उठा करता था सूर्योदय से पहले और समुद्र में अपनी पुरानी नाव में जाया करता था मोहन बिलीव दैट पैशन इन वर्क कैन हेल्प अस ओवरकम एवरी डिफिकल्टीज मोहन बिलीव्ड विश्वास करता था पास्ट इनडेफिनेट है ये सेकेंड फॉर्म लगी है है ना दैट की जो पैशन है मींस जुनून किसी भी काम का और कड़ी मेहनत कैन लगा है सकता है सकते का आएगा ठीक है ना हेल्प मीन सहायता सहायता कर सकती है ठीक है ना वो क्या है मोहन बिलीव्ड उस, उसका विश्वास था कि जो जुनून और कड़ी मेहनत है पैशन और हार्डवर्क है वो सहायता कर सकती है हमारी ओवरकम होता है कम करना या फिर पार पाना किसी चीज से एवरी प्रत्येक मुश्किल से ठीक है ना क्या बताना चाहता है वो कि जुनून और कड़ी मेहनत से हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं ठीक है ना वो हमारा हेल्प कर सकती है वन डे एक दिन मोहन वेंट गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट गो मींस जाना अगर यहां पर गो होता है तो जाता है का सेंस आता क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगी थी अब सेकेंड फॉर्म लगी है तो पास्ट इनडेफिनेट का सेंस आएगा गया क्या करने फिशिंग फिशिंग मीन्स मछली पकड़ना फिशिंग करना मछली पकड़ना इन समुद्र में अचानक से सडनली अस्ट्रॉन्ग एक बहुत ही मतलब स्ट्रोंग स्टॉम बहुत ही मजबूत बहुत तेज स्ट्रॉ होता है तूफान केम सेकेंड फॉर्म है आया कम केम कम सेकेंड फॉर्म लगी है पास्ट इंडेफिनेट का सेंस दे रहा है आया और हिज बोट उसकी जो क्या थी नाव स्टार्टेड लगा है तो मीन्स लगी क्या लगी टोजिंग करने मीन्स डगमगा ठीक है ना अब देखिए सडनली अचानक से अस्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक बहुत ही मजबूत तेज तूफान आया और उसकी जो नाव थी वो डगमगाने लगी ठीक है ना मोहन वॉज मोहन डर गया अब यहां पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है ये पार्टिसिपल है जो कि किसका काम कर रही है एडजेक्टिव का मोहन इसकी विशेषता बता रही है मोहन की मोहन क्या हो गया था वो डर गया था ठीक है ना वो डर गया बट लेकिन इंस्टेड मीन्स की बजाय ऑफ गिविंग अप गिविंग अप हार मानना हार मानने की बजाय ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट है टू फेस सामना करने का टू फेस क्या है इंफिनेटिव है द वेब्स लहरों का विद मीन्स से अपने संघर्ष से ठीक है इसको समझते हैं मोहन वाज़ स्केर्ड वो डर गया लेकिन हार मानने की बजाय इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ही डिसाइड उसने निर्णय किया सामना करने का अपने संघर्ष से लहरों का मोहन केप्ट हिज बोट अंडर कंट्रोल मोहन मोहन ने रखी कीप मींस होता है रखना केप्ट रखी अपनी नाव बोट अंडर कंट्रोल मीन्स नियंत्रण में ठीक है अपने कंट्रोल में रखी और वेटेड इंतजार किया सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट है फॉर मीनस किसके लिए स्टॉम टू पास तूफान के गुजर जाने का तूफान के गुजर जाने का उसने इंतजार किया वो उसने अपनी बोट को नियंत्रण में रखा और तूफान के गुजर जाने का वेट किया मेनी फिशरमैन बहुत सारे मछुआरे उन्होंने क्या सोचा थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट उन्होंने सोचा कि मोहन मस्ट हैव गिवन अप कि जो मोहन है उसने हार मान ली होगी हार मान ली होगी जरूर मस्ट ठीक है मस्ट मीन्स कि कोई काम जो है वो जरूर हो गया होगा मस्ट हैव अप उसने हार मान ली होगी इस तरह का सेंस आएगा बट लेकिन वेन जब दे सो उन्होंने दे लगा है मीन्स ज्यादा जाने हैं जो मछुआरे थे जिन्होंने सोचा कि उसने हार माननी होगी बट वेन दे सॉ उन्होंने देखा सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ सी सॉ सीन सेकेंड फॉर्म है तो मीन्स यहां से पता लगता है कि पास्ट इंडेफिनेट की बात हो रही है उसे देखा रिटर्न वापिस आते सेफली सुरक्षित एवरी वन प्रेस्ड हर किसी ने तारीफ की प्रेज हिज उसके ठीक है ना वर्क कड़ी मेहनत की और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास की जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत सारे मीनिंग हैं ठीक है इनको आप नोट किया कीजिए साथ साथ और इन मीनिंग से सेंटेंस बनाकर एवरी डे इसको यूज करना स्टार्ट करें ठीक है ना जैसे कॉन्फिडेंस है इसका वर्ड वो बनाइए मेक सेंटेंस प्रेज का मेक सेंटेंस बनाइए इस तरह से दिस स्टोरी ऑफ मोहन स्ट्रगल यह है जो कहानी है किसकी मोहन के संघर्ष की टॉट मीनस इसने क्या सिखाया किसको यूथ को युवा को कौन से युवा को गांव के युवा को गांव के युवा को क्या सिखाया आगे देखते हैं कि सफलता सक्सेस कैन बी achieved. कैन का पैसिव है ये प्राप्त की जा सकती है कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म जब लगी हो जो भी वर्ब की मीनिंग का हिंदी होगी मीन्स अचीव प्राप्त करना है ना प्राप्त करना प्राप्त की जा सकती है ऐसा सेंस आएगा ठीक है ना वो क्या कहना चाहता है कि मोहन की जो जो स्टोरी है स्ट्रगल वाली ये गांव के यूथ को क्या सिखाती है कि सफलता प्राप्त की जा सकती है सिर्फ किसके द्वारा बाय फेसिंग सामना करके मुश्किलों का मुश्किलों का सामना करके प्राप्त की जा सकती है सफलता दस इस प्रकार यह है कहानी ऑफ मोहन के कड़ी मेहनत और संघर्ष की है विच जो सिखाती है टीचिज लगा है टीच के साथ प्रेजेंट एंडेफिनेट का सेंस दे रहा है सिखाती है हमें द करेज मीन्स साहस टू नॉट गिव अप ठीक है ना करने हार मानने का क्या सिखाती है ये स्टोरी हमें कि हार ना मानने का साहस सिखाती है जो कि है हमारा हमारी सच्ची ताकत ठीक है ना हमारी सच्ची ताकत क्या है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो अगर मान लो आपकी कंपार्टमेंट है या फिर आप फेल हो गए हो तो आपको कभी भी हार नहीं माननी है गिवअप नहीं करना है आगे बढ़ते जाना है ठीक है ना दोबारा से ट्राई कीजिए नहीं हो रहा फिर ट्राई किए लेकिन हार नहीं मानना आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू